जमाती इस्लामी का क्या अकीदा है? वो वही बता सकते हैं, उस बारे में हम क्या बताएं। लेकिन जहाँ तक के उनका हमारा इख्तलाफ है, वो बुनियादी चीज़ों में है। एक तो ये कि यानी इकामत हुकूमत इलाहिया का क़याम, ये सारे नबियों का मकसद था, उनका ये कहना है, इससे हमको इत्तेफाक नहीं है। हम ये मानते हैं कि सारे उम्मतों का और सारे नबियों का मकसद ये था कि बंदे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, उस शिर्क से बचें। ये सारे नबियों का मकसद था और इस उम्मत मुस्लिमा का भी मकसद यही है कि इस चीज़ की दावत दी जाए कि दीन लोगों के सामने बयान किया जाए। कुंतुम उम्मतिन में अल्लाह ने इसी बात को बयान किया। उम्मत मुस्लिमा का ये मकसूद नहीं है कि किसी हुकूमत से लड़कर उसको हटा के उसकी जगह हम हुकूमत कायम करें। तो इस तरह का कोई मकसद हमको नहीं दिया गया है। हमको ये मकसद दिया कि हम अपनी ज़िंदगी में जहाँ तक के हो सकते हैं, जहाँ तक हो सकता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की शरीयत का निफाज करें। बहुत सारे लोग दुनिया में हुकूमत की बात करते हैं, उनकी अपनी ज़िंदगी और अपने घर में हुकूमत नहीं होती है। तो शुरुआत यहाँ से करें, इसमें पास हो गए तो फिर आगे प्रमोशन हो सकता है।